हाय फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? शायद सब लोग अच्छे हैं, और इतना अच्छा भी नहीं है कि कभी फिशिंग भी इतना अच्छा से नहीं हो रहा है ज़्यादा टाइम, क्लाइमेट भी इतना सही नहीं है। मिनिमम 1 वीक में कैसे भी एक दिन सही रहता है, फिर दूसरा दिन से जाके सेम मूड होता है, हवा है, और इतना ऐसा में इतना अच्छी भी नहीं है। अब लोग ज़्यादा परेशान भी है, फिशिंग स्पॉट पे जाके मज़ा भी नहीं आता इतना, और पहला का जैसा इतना अभी फिशिंग स्पॉट भी नहीं है ज़्यादा स्पॉट अभी पिछले बंद है। आजमान में बोलेगा तो बस एक ही स्पॉट है, सबका पसंद है, अलजोर है, आजमान कॉर्निश है, उसमें तो इतना एक्टिविटी नहीं होता है, इसके लिए हर आदमी को थोड़ा ज़्यादा पसंद है अलजोरा, इसके लिए ज़्यादातर आदमी जोरा में जाता है। और अभी छुट्टी भी चेंज हो गया, आदमी को फिशिंग जाने के लिए भी थोड़ा अभी दिक्कत है, क्योंकि छुट्टी के साथ में सबको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अभी मैं आप सब के लिए आज एक एफजी नोट लेके आया, एफजी नोट कैसा नोट करता है मैं आप सबको दिखाने के लिए कोशिश करेगा। आप लोग ज़्यादातर बिगिनर आदमी के लिए, बहुत ज़्यादा आदमी को अभी तो एफजी नोट नहीं आता है, और ज़्यादा आदमी को मालूम भी नहीं है। एक्चुअली बिगिनर को सबसे कमती मालूम है, जो लोग पुराना आदमी है, हर दिन फिशिंग में जाते हैं, एक्चुअली वो लोग को ज़्यादा मालूम है एफजी नॉट नहीं है। फ्लोरो बनने का 3-4 तरीका मिनिमम, जो लोग कंटिन्यू फिशिंग में जाना वाला, हर आदमी का मालूम है। जो लोग नया है एक्चुअली वो लोग को मालूम नहीं है, कोई कोई बहुत पुराना भी हो गया, लेकिन अभी तो एफजी नॉट कैसे नोट करेगा वो बराबर आता नहीं है। फिर भी आदमी लोग कोशिश करते हैं बांधने के लिए, कभी कभी फिर भी अच्छा से बंद नहीं होता है, निकल जाता है, फिर भी आदमी लोग टेंशन में होता है, कभी कभी मच्छी मिस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कोशिश करेगा थोड़ा अच्छा से आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने के लिए, तो हम दिखाते हैं कैसे एफजी नोट करने का। लेकिन ज़्यादातर आदमी लोग उसमें एक ही नोट डालते हैं, मैं एक्चुअली उसमें दूसरा और एक नोट डालता है, जो एफजी नोट का दूसरा और एक नोट है वो भी मैं इसमें डालता है। थोड़ा आप लोग अच्छा से देखेगा तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, वो बहुत इजी है, सिंपल नोट है। आप लोग एक दो टाइम थोड़ा ध्यान से देखेगा ना, अच्छा से मालूम हो जाएगा आप लोग को कैसा नोट करने का है। वो इतना मुश्किल का काम नहीं है, बस आप ध्यान से एक बार देखो, फिर मेरा ख्याल में आपको भी आइडिया हो जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेगा आप लोगों को थोड़ा अच्छा से दिखाने के लिए, बस बताने के लिए। आप लोग भी थोड़ा कोशिश करो, मेरा ख्याल में सीखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अब जब भी फिशिंग स्पॉट में जाता है ना, तभी एक्चुअली एक आदमी नोट करने के लिए आप लोग को ज़्यादा आदमी को शायद दिक्कत होता है। इसके लिए आपका क्या करना है, आपका स्टिक कोई भी एक अच्छा वाला जगह में रखो, रख के सेम मैं दिखाता आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता है। जैसा कि ये मोनोलाइन है, एक्चुअली ये फ्लोरोकार्बन नहीं है, तो आपको जो फ्लोरोकार्बन और मोनोलाइन में कैसा पता चलने का ये आपको दिखाता है मैं। जैसा कि ये जब भी आप लाइटर मारेगा ना, देखो ये बिल्कुल ये लाल हो गया, ये मोनोलाइन है। इसमें आपको पता चलता है जो फ्लोरोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन में आप ऐसा जलाएगा तो इसमें लाजिम ऐसा ब्लैक आएगा तो 100% फ्लोरोकार्बन है। जैसा कि अभी तो मेरा पास इधर स्टिक नहीं है, इसके लिए मैं क्या किया, जो हम दुकान में लाइन रोल करता ना, इसको लगाया इधर, आपको सेम स्टिक लगाने का। जैसा कि ये फिंगर है, ये आपको लास्ट वाला फिंगर में इसको लाइन को ऐसा करके 3-4 राउंड मार के आप क्या करने का, आपको सेम ए पोजीशन में आपका स्टिक भी रखना है। रखने के बाद में आप फ्लोरोकार्बन के आप पहला राउंड ऐसा नीचे डालो। जैसा कि आप ए फिंगर में डालेगा ना, आपको थोड़ा इजी है पकड़ने के लिए, आप ऐसा डालेगा तो ऐसा करके पकड़ो, फिर इधर से नीचे से एक राउंड मारो और इधर से एक राउंड मारो। इसका आप आराम से धीरे धीरे, ज़्यादा मारने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऐसा 10-12 राउंड मारो। 10-12 राउंड मारेगा तो आपको
थोड़ा अच्छा सा नाउट दिखता है। देखने के बाद में आपको यह इसमें क्या है, एक ए साइड से ऊपर से मारो, दूसरा साइड में नीचे से डालो, ए साइड में एक फ्लोरों को ए सिस्टम में डालो, बाद में आपको दिखने में बहुत एक अच्छा से नोट नज़र में आता है। ऐसा करके आप थोड़ा टाइम राउंड मारते जाएगा ना, फिर ये जितना लंबा आएगा आपको उतना थोड़ा नज़र में आता है। जैसे कि मैं एक राउंड नीचे से, दूसरा राउंड ऊपर से, सेम सिस्टम में आप थोड़ा टाइम ट्राई करो। ट्राई करने के बाद में मिनिमम ए नोट इतना तो आएगा, तो फिर आपको क्या करना है, फ्लोरोकार्बन जो रॉड का साथ में लाइन आता है इसमें पकड़ो, बाद में ये फिंगर से ये लाइन निकालो। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा रखा है, इतना रखने का जरूरत नहीं है, आप इसका काट कर थोड़ा कमती करो। करने के बाद में इधर से ये नीचे से डालो, फिर ऊपर से एक ऐसा करके एक राउंड मारो। राउंड मारने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करो, बाद में ये फ्लोरों को जो आपको मेन लाइन है ना इसका साथ में रखो। रखने के बाद जो छोटा लाइन है इसको बिल्कुल इसका नीचे से ऐसा करके पकड़ो। ऐसा करके पकड़ने के बाद ये लाइन को आप इसका अंदर से 5 राउंड मारो, 1 2 3 4 5 राउंड मारने के बाद ए लाइन इसका साथ में पकड़ो, फिर ए लाइन किधर लेके जाए, फिर दूसरा साइड से ए लाइन का पकड़ के ऐसा घुमा दो। घुमाने के बाद में ए लाइन इधर पकड़ो, फिर ए लाइन को आराम से खींचो। खींचने के बाद में दोनों लाइन के एक साथ में करके ऐसा करके खींचो। खींचने के बाद में इधर एक नोट होता है, ये बहुत सेफ्टी है। बस इसके बाद में अब इसको इतना कट करो और ये लाइन भी थोड़ा सा कट करो। कट करने के बाद में आपके पास लाइटर है तो थोड़ा सा लाइटर लगाओ, लाइन को भी थोड़ा लगा के आप दोनों हाथ से थोड़ा खींच के देखो। लाइन बिल्कुल थोड़ा भी स्लिप नहीं आता है और माशाल्लाह स्ट्रांग भी बहुत है। आपको मच्छी लगेगा तो इधर से निकलने का कोई चांस भी नहीं है। ये आपको बहुत अच्छा नोट है, आपको नहीं आता तो ये लास्ट वाला राउंड नहीं आता तो पहला जो नोट लगाया ना उसमें सिंपल 3-4 नोट लगा दो, लास्ट वाला राउंड लगाने का जरूरत नहीं। कटिंग करके सेम ऐसा थोड़ा लाइटर लगाएगा ना, इधर एक सपोर्ट होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में किला बोलते हैं ना, किला का टूप का तरह होता है। इसका वजह से आपको लाइन स्लिप होने का कोई चांस नहीं है। आपको बिल्कुल वो नहीं आता तो, ये नोट नहीं आता तो, बिल्कुल आपको एफजी नोट नहीं आता तो, बिल्कुल शॉर्ट कार्ड में आपको क्या करने का, शॉर्ट कार्ड में आपको चाहिए तो ये फ्लोरों को एक राउंड मारो, सेम ऐसा एक सपोर्ट डालो। डालने के बाद में इसको थोड़ा टाइट करो, ऐसा वाला इस सुई बॉल है, इस सुई बॉल को आप अंदर से डाल के इसके नीचे से एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड डालो, बाद में अंदर से ये नोट डालो, अंदर से ऐसा करके डालो, बाद में ये लाइन को खींचो। खींचने के बाद में लास्ट में है ना, ये लाइन को बिल्कुल और भी थोड़ा अंदर कर दो, और भी थोड़ा अंदर कर देने के बाद ये थोड़ा खींचो। खींचने के बाद में आपके पास में कुछ प्लायर है तो इसको आप आराम से पकड़ो। पकड़ने के बाद ऐसा हाथ से खींच के है ना इसको थोड़ा टाइट करो,
टाइट करने के बाद में आपको जितना फ्लोरो चाहिए फ्लोरो इतना लेने का, इसके बाद में आप क्या करने का, सीधा लाइन का साथ में आप सीधा इसको ऐसा करके पकड़ो, ऐसा फिंगर का बीच में पकड़ने के बाद इधर से क्या करने का, ये नीचे से फिंगर से एक राउंड दो राउंड मारो, मारने के बाद इसका अंदर एक नोट होता है, आप अंदर से डाल के ये लाइन को सीधा सा घुमा लो, घुमाने के बाद में लाइन को सेम इतना में नोट करो, बाद में क्या करने का, इसको आप सेम छोटा करके कट करो, कट करने के बाद में सेम आप स्नैप लेने का, स्नैप को सेम इधर डाल देने का, इसको भी सेम आप लगाने का, पहले मेरे ख्याल में इधर एक नोट डालेगा तो ये थोड़ा सेफ है, कभी भी आपको बचास मच्छी मारेगा तो स्लिप होने का इतना चांस नहीं होता है। ये सबसे अच्छा बिगिनर आदमी के लिए, जिसको फ्लोरोकार्बन नोट करना बिल्कुल नहीं आता, इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसको इतना टेंशन भी नहीं है, शॉर्टकट में एक साइड में थोड़ा स्वीबल लगाएगा तो अच्छा है, स्वीबल और दूसरा साइड में स्नैप लगा के आपका उस प्लेयर है तो थोड़ा ये टाइट करो, टाइट करने के बाद में ये इतना लंबा नहीं रखने का, अब क्या करना है इसको थोड़ा छोटा कर दो, जैसा कि ये बोलेगा तो सिंपल नोट है, बिल्कुल बिगिनर आदमी के लिए लाइन का साथ ए सिस्टम में एक स्वेबल में कनेक्ट कर देगा तो सबसे बेस्ट है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोग फिर भी थोड़ा अच्छे से देखेगा तो मेरे ख्याल में बहुत इजी है, आप लोग अच्छा से सीख सकते हैं, आप लोग के पास कुछ कॉन्फिस रहेगा तो फिर कमेंट में बताएगा तो हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा करके बनाने के लिए कोशिश करेगा, आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करेगा, मेरे को भी कुछ गलती है तो आप लोग बताने का, मेरे को जितना आइडिया है बस हम उतना आप लोग को भी आप लोग के साथ में भी शेयर करने का कोशिश किया, आप लोग को कुछ दिक्कत है कुछ मालूम नहीं हमारा भी कुछ गलती है, आप लोग कमेंट में बताओ, कोई बात नहीं है गाइस।